रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। She says that she loves you too, Dad. Love you too कब बोला जाता है? हाँ, तब बोला जाता है जब आपने उसे I love you बोला होगा, right? Why did you do it, Dad? मुझे छोड़ दो रोहित। तुम मेरी सब कुछ हो। तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? Dirty secret हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हें सबसे आजाद करती हूँ। क्या है ये? ये जो कुछ भी है, इसे मेरी बच्चियों की जिंदगी और मेरी जिंदगी से दूर करो। You took the coin back. I love her. जानती हूँ बाबा। अनन्या, मैं अनन्या से प्यार करता हूँ। उसे छोड़ नहीं पाऊंगा। Sorry. तुम सॉरी बोल रहे हो मुझे? रोहित, मेरी क्या गलती है? What went wrong? कोई गलती नहीं है तुम्हारी। नहीं अनन्या, मेरी गलती है। I really really love her. What? What did you say? You love her? तुम्हें क्या लगता है तुम 20 साल के कोई लड़के हो? हाँ, तुम्हारी उम्र तुम जानते हो? उम्र का क्या लेना देना है पूनम? उम्र का लेना देना है रोहित? 22 साल की थी जब मैं शादी करके इस घर में आई हूँ। चाय बनाने नहीं आती थी, तुम्हारी माँ चाहती थी कि मैं तुम्हें 3 वक्त का खाना बना के खिला। बनाया मैंने, तुम्हारे बच्चे पैदा किए, उन्हें संभाला, तुम्हारा घर संभाला। नो रोहित, यू कांट डू दिस टू मी। तुमने एक उम्र मेरे साथ बिताई है। We are married. मैंने जब तुमसे शादी की थी ना, तो तुम 25 साल के एक स्ट्रगलर थे, सेटल भी नहीं थे। मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, सब कुछ संभाला तुम्हें। अब जब तुम्हारा सब कुछ संभल गया है, तो तुम्हें उठके किसी और से प्यार हो गया है, हाँ? और वो जो भी है, उसे पता है क्या मिला है? उसे मिला है एक सक्सेसफुल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन। मैं ये मेरे साथ नहीं होने दूंगी, नहीं। मैंने कोई प्लान करके नहीं किया ना, ये हो गया। अरे कैसे हो गया ये? हाँ, नहीं होना चाहिए था ये कैसे हो सकता है तुम्हें प्यार व्यार बार बार? नहीं हो सकता, ये तुम्हारी दो दो बड़ी बड़ी बेटियां हैं, समझे तुम? पूनम, ये बच्चों को बार बार तुम बीच में क्यों घसीट लाती हो? बच्चों को बार बार इसलिए ला रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई विल नॉट लेट देम गो थ्रू दिस, यू अंडरस्टैंड? हैव टू टेल मी, ऐसा क्यों होता है बार बार? 6 साल पहले ऐसा हुआ था ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, तुमने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? Why, Rohit? Don't you love me? I loved you. Listen. What is that? You listen, हाँ भी? अब बचा ही क्या है रोहित? क्या शोर मचा रखा है? तुम लोग लड़ रहे थे? पूनम, क्या कहा तुमने रोहित से? उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। माँ, खुद ही पूछ लो कि ये रंग कहाँ उड़ा कर आए हैं। How dare you? माँ, तुम जाओ, बात कर रहे हैं, दरवाजा बंद कर दे। तुम बात को समझोगे? क्या समझूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या मैं अच्छी पत्नी नहीं हूं? बोलो, मैं अच्छी पत्नी नहीं हूं? ओ पूनम, रोहित, मैंने कभी भी दूसरी बीवियों की तरह पार्टीज, किटी पार्टीज, पार नहीं अटेंड किए। My focus is all these things, my husband, my family, मेरे बच्चे, मेरा पति, बस। And you know what? End of the day, I was very happy. मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। I was very happy that I have a loving husband. Rohit, loving husband. तुमने तो मेरी जगह किसी और को दे दी। कितनी आसानी से सब कुछ खत्म कर दिया मेरा। छोड़ो मुझे। सेल्फ कंट्रोल के लिए भी कोई आसन होना चाहिए ना? बहुत जरूरी है। तुझे तो बहुत सारे आसनों की जरूरत है। क्यों? साइज देख अपना, फैलती जा रही है। सेल्फ कंट्रोल से काम नहीं चलेगा। सिर्फ मेरी नहीं, एना की भी। हमारी सेक्स एडिक्ट आना कल रात फिर फुल ऑन लेग स्प्लिट करके आई हैं। व्हाट? क्या पाव है ना? वेरी गुड। वैसे भी टू गेट ओवर वन गाय, यू हैव टू गेट अंडर अनदर वन। गो फॉर इट बेब। चेरी, शट अप। शी वेंट एंड हैड सेक्स विद रोहित। व्हाट?
मोहितोस के बाद रोहितोस लास्ट नाइट। बॉटम्स अप। But you know what? It's good for your body. But terrible for you, babe. Shut up, yeah, you guys. And it wasn't about sex, okay? It was love. तुम्हें नहीं पता उसने क्या क्या बोला मुझसे। Hello, babe. ये सेंटी वाला सेक्स ना मर्दों को बहुत अच्छे से लेना होता है। Admit it. You got played. Self-control. Self-control, guys. चुप करो यार गाइस प्लीज। उसका चेहरा देखना चाहिए था यार। यार वही चेहरा तो उसकी बीवी को भी नजर आता होगा ना। उसे क्यों नहीं आता प्यार? पता है क्यों? क्योंकि उस पर तेरे नाम का लेबल नहीं है। वो लव सिक लुक होता है ना वो उसकी बीवी को तो पता भी नहीं कि वो प्यार तेरे लिए है। और पता भी कैसे चले, उसने अभी तक अपनी बीवी को बताया नहीं है यार तेरे बारे में। यार भी हाँ रोहित What? तुमने पूनम को बता दिया? No mom, don't push me. It's not fair. What's not fair? तुम बैठो. I haven't finished yet. Sit. I'm not pushing you. I'm asking you to get married to the person you love. इसमें क्या fair unfair? Mom, आर्य और मैं एक दूसरे से प्यार. I mean, see, mom, I really like him, but. I don't know if it's permanent or not, okay? What do you mean it's not permanent? मतलब तुम इसे छोड़ दोगी? उसके बाद कोई दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तुम उस टाइप की लड़की हो। मॉम, आप बातों को कहाँ लेकर जा रही हैं? नहीं बानी, मैंने हमेशा तुम्हें बहुत फ्रीडम दी है। तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। Today I want to know तुम्हारे और आर्या के बीच का जो रिलेशनशिप है, how far has that reached? I mean, have you guys had? Mom, are you serious? Yes, I'm serious. I want to know. Okay, fine. We've had sex. कहा और कितनी बार किया ये भी आपको बता दे। Shut up, Bani. Just shut up. अब तो तुम्हारी शादी जल्दी करवानी पड़ेगी। इसके पहले कि तुम्हारे पापा के बारे में सबको पता चल जाए। Hang on, mom. पापा की लाइफ में जो चल रहा है और मेरी लाइफ में जो चल रहा है ना, प्लीज दोनों को कंफ्यूज मत करो। एंड इट्स नॉट माय फॉल्ट कि डैड का अफेयर चल रहा है। Come on, your mom. But and it's not your fault कि तुम शादी के पहले सब कुछ कर चुकी हो। देखो बानी, I am very stressed and very tense. Don't add to my tensions, please. Just get married and lock it. शादी के बाद तुम सब कुछ कर सकती हो जो तुम चाहती हो। एक बार engagement हो जाए, रोका हो जाए, फिर आर्या को चांस नहीं मिलेगा बैक आउट करने का। बैक आउट? मॉम, एक स्कैंडल की वजह से अगर किसी को बैक आउट करना है तो करे। मैं मर नहीं जाऊंगी। शादी जैसा इतना बड़ा फैसला मैं किसी के बैक आउट करने की डर की वजह से नहीं कर सकती। बानी, I don't understand you. मैं तुम्हें किसी स्ट्रेंजर से शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ। Mom, you are not understanding it. Mom, मैं पढ़ना चाहती हूँ, I wanna study, I wanna work. मैं किसी की random Mrs. Somebody बनने से पहले, I want to be Miss Bani. Mom, आर्य और मैं, हम दोनों साथ में रह के पहले देखेंगे कि हम दोनों compatible है या नहीं। Mom, is it that difficult for you to understand? Huh? No, Bani. Darling, it's not difficult for me to understand that. But हमारे फैमिली की सिचुएशन बदल गई है। मैं तुम्हें सिर्फ कह रही हूं कि उसे संभालो। यू विल हैव टू डू डैमेज कंट्रोल प्लीज। आई एम सॉरी मॉम, आई कांट डू दिस। जिसने ये डैमेज किया है प्लीज उन्हीं से जाके कहिए कि ये सब कंट्रोल करे। मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। आई एम सॉरी मॉम। हाय। हाय। रोहित, क्या हुआ? नहीं, घर पे सब। अनु, I don't want to talk about it. But तुमने कहा था ना? मैंने कहा ना, नहीं बात करनी मुझे इस बारे में। Let's do something else. वो मूवी देखनी थी ना तुम्हें? लगा तो देखते साथ में। I want to know, Rohit, tell me, क्या हुआ? Just, I feel like a bloody loser. गिन आ रही है मुझे अपने आप पर। I never thought कि मैं इतना गिर जाऊंगा।
मुझे जाकर अपनी बीवी को बोलना पड़ेगा कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। I'm leaving you. I wish you could have seen the look on her face. She thought I was joking. And rightfully so, because 23 साल उसने मेरा साथ दिया है। I understand कि इतना बड़ा रिश्ता कोई अगर कह दे तो unbelievable है। और मैंने उसे क्या दिया? धोखा। I know. I understand. What can you understand? क्योंकि मैं उसे छोड़ रहा हूँ। What can you understand? मेरे साथ भी कहाँ हो तुम रोहित? मतलब ये सब जो हो रहा है वो Let me explain to you. जब मैं कुछ नहीं था तब वो मेरे साथ थी। किराए के मकान में हम लोग रहते थे। मानी जब पैदा हुई थी तो उसका क्रिब लेने के पैसे नहीं थे हमारे पास, but she stood by me. She never said anything. शादी के 5 साल तक मैंने उसे कोई तोहफा नहीं दिया था। I didn't have the money. She understood. वो कहती थी सूद समेत ले लूंगी। Now, सूद तो क्या असल भी छीन लिया उससे मैंने। पर ये डिसीजन तुम्हारा था। Yeah, I know. That's why I'm feeling what I'm feeling now. इस उम्र में मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो रही है, बानी की ऑलमोस्ट शादी की उम्र हो रही है और यहां मैं रोमांस कर रहा हूं। What am I supposed to feel like? तो जाओ। पहले भी यही कहा था और अब भी यही कह रही हूं रोहित, तुम जाओ। एंड यू नो 3 साल हो या 23, दिल के टूटने की आवाज उतनी ही होती है। तुम कह क्या रही हो? मैं क्या बोल रहा हूं तुमसे और तुम क्या समझ रही हो? आई एम जस्ट सेइंग दिस मचाना कि गलती मेरी है, द फॉल्ट इज माइन, तो आई फील गिल्टी, दैट्स इट। सो देन डोंट पुश इट ऑन मी। आई वाजंट द वन हु वाज मैरिड, आई डिडंट हैव अ हस्बैंड एट होम। मैंने तुमसे कहा कि मेरी शादी खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नो, यू सेड दैट टू मी, ओके? यू सेड तुम्हारी शादी खत्म हो चुकी है और पूनम के साथ अब कुछ नहीं रहा, एंड नाउ यू फीलिंग गिल्टी। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ तुमसे, That I love you. और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें चुना है। नहीं चुना, ना 3 साल पहले चुना था और ना अब चुना है तुमने मुझे रोहित। तुम्हें लगा था कि तुम इस सबसे बहुत आसानी से निकल जाओगे और किसी का दिल नहीं टूटेगा, बट लेट मी रिमाइंड यू, किसी एक का दिल तो टूटेगा। यू नो रोहित, आज जो तुम पूनम के लिए फील कर रहे हो ना, वो मैं 3 साल से फील करती आ रही हूँ। एंड यू नो, टू द वर्ल्ड आई एम स्टिल अ सिंगल वुमन, एंड आई ऑलवेज गेट हिट ऑन एट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स या फिर कोई क्लाइंट, but I don't even look in that direction because I'm not interested. And the sad part is I live like a married woman, but alone. गलती ना पूनम की है ना मेरी, गलत तुम हो, you're wrong. और तुम कोई प्राइज नहीं हो जिसे मुझे जीतना है। No, if you wanna be with me, you be with me. या फिर तुम वो करो जो तुम्हारा ज़मीर कहे। मेरी यादों में बसे हो सिर्फ तुम, मेरी सांसों में रहोगे अब सिर्फ तुम। I love to caress your ears. I want to hold a conversation. Yuck, seriously? You read my messages, you bitch. Mom, she's reading my messages, yaar. Mom, ek kaam karo, aapne isko ground kar do. Ek mahine ke liye, no TV, no bahar jana. That should be a punishment. Oh, listen, why should I be grounded? Cute. What about because you? Because you are wrong, it's your fault. No, listen. No, you are the one who needs. Stop it. Bani, Nikki, tum dono baaz nahi aaogi. Tum dono hamesha jhagadte rehte ho, ladte rehte ho. Achhe khase ghar ko asylum bana ke rakha hai. Kya ho gaya? Kyun chilla rahi ho? Ha? क्या हुआ है? मां रहने दो, इन दोनों का रोज का है। अरे मैं इन दोनों की नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ। हर वक्त चिल्लाती रहती हो, कभी बेचारे रोहित पे कभी बच्चियों पे। भाई तुम ऐसे चिल्लाती हो तभी तो ये दोनों ऐसे चिल्लाती है ना। मां शीला है ना मेरी फ्रेंड, उसकी बहू के साथ भी यही हो रहा था, रोज का रोना धोना हो गया था। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेनोपॉज है। भाई तुम भी जाओ चेकअप कराओ, तुम्हारी भी उम्र हो आई है। भाई यही सब चलता रहा ना तो रोहित छोड़ देगा तुमको।
फिर और किसी को क्या दोष देना जब पता है कि प्रॉब्लम घर में ही है। You're right. प्रॉब्लम मुझ में है। रोहित कुछ नहीं करते, सब लड़ाई मैं करती हूँ। You're absolutely right. बच्चों के बिहेवियर में हमेशा माँ की परछाई ही नजर आती है। ओए, अगर भाभी शक करती है ना तो तू झूठ बोल दे, और अगर तुझे रंगे हाथ पकड़ भी लेती है तो भी झूठ बोल दे यार। गुरी, मैं नहीं झूठ बोलना चाहता, तू समझ नहीं रहा मेरी बात। I mean love, गुरी। ऐसा कुछ नहीं होता यार, वो ना यहाँ से शुरू होकर सीधा यहाँ पे खत्म हो जाता है, और दुनिया उसको बोलती है कि लव है, और तू इन अफेयर के चक्कर में ना पड़ यार। तो काम कर, तू सीधा जा बैंकॉक, वहां से ना हल्का हो गया, जब तेरा थोड़ा बहुत ये शव वहां पे मिलेगा ना तो तेरा लव का कीड़ा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। गुरी, गुरी, गुरी। तू क्या बोलना चाह रहा है यार, कि मर्द को सब कुछ अलाउड है, कहीं भी जाए मुंह मारे और फिर घर चला जाए, बीवी सब कुछ एक्सेप्ट कर ले और ये नाटक चलता रहे जिसे हम शादी कहते हैं। तू सुन नहीं रहा कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं प्यार करता हूं अनन्या से, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। तो भाई ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? मतलब जो तू चाहता था वो तो तुझे मिल गया ना, और इस वक्त तो तुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास होना चाहिए था, तो भाई यहाँ क्या कर रहा है मेरे पास? मैं बताऊं, वो तुझे ना कहीं अंदर से गिल्टी फील हो रही है। भाभी ने तेरा इतना साथ दिया इतने सालों तक, तूने बड़ी आसानी से बोल दिया कि तू किसी और से प्यार करता है। और देख भाई, जो मर्द होते हैं ना सब एक जैसे होते, तू मैं सब, हमारे ना खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। वो बंदा चाहे कहीं भी ऐशी कर ले आता कहाँ है, अपने घर वो बीबी के पास, और कोई आदमी ना अपनी घरवाली को नहीं छोड़ता। सच बात तो ये है कि बीवी को कोई नहीं छोड़ता है, इग्नोर कर ले, इल ट्रीट कर ले, या फिर बाहर जाकर अफेयर ही क्यों ना कर ले, छोड़ते नहीं है यार। यार लेकिन उसने पूनम को तो बोला ही है ना। क्या कि he loves you? So? बीवी दो दिन रोएगी गाएगी और फिर सोचेगी क्या हुआ। शादी में तो थोड़ा बहुत चलता रहता है ना, कोई जिंदगी भर वफा करे मुश्किल है। वैसे भी है ना, आग जब तक घर के बाहर लगे ना कंट्रोल की जा सकती है। एंड हाउ डू यू गाइस नो दैट शी इज नॉट शॉपिंग ऑनलाइन राइट नाउ एट विक्टोरिया सीक्रेट टू सेव अ मैरिज? चेरी, बट द फैक्ट कि वो अपनी बीवी को जाकर सब कुछ बता रहा है, एक शुरुआत तो है। हाँ है, रोज रोज के झूठ बोलने से बचने की। क्या उसने ये कहा कि वो एनस से शादी करना चाहता है? लेट्स सीक अ डिवोर्स। नहीं ना, उसकी बीवी के लिए कुछ बदला होगा, एना के लिए क्या बदल गया? नथिंग। I'm sorry to say, but ये कल भी मिस्ट्रेस थी और आज भी मिस्ट्रेस है। फर्क सिर्फ इतना है कि कल गुमनाम थी, आज लेजिटिमेट मिस्ट्रेस है। यार अभी तो बताया है, अभी कैसे छोड़ दे? क्यों? एना को कैसे रोज छोड़ के जाता है अपनी बीवी के पास? जाता है ना? रोहित कल भी दो औरतों के साथ रिलेशनशिप में था और आज भी है, उसके लिए क्या बदल गया? कुछ खास नहीं। उसकी बीवी दो दिन रोएगी गाएगी और फिर चुप हो जाएगी, कुछ नेगोशिएशंस होंगे, गिल्ट ट्रिप करके कुछ और फैसिलिटीज मांगेगी, और फिर इससे भी काम नहीं बनाना तो फिर सैक्रिफाइसिंग माफ करने वाली वाइफ का स्टेटस लेकर सुपीरियर हो जाएगी। और यहाँ हमारी एना इस बात से खुश रहेगी कि रोहित ने एक्नॉलेज तो किया, बट यू नो व्हाट, रियलिटी में कुछ नहीं बदलेगा, जो जहाँ था वो वहीं रहेगा। बरसात भी कितनी सुंदर लगने लगी। तैयार है ना तुम्हारा? क्या गिफ्ट चाहिए बताओ? सब कुछ तो मिल चुका। अरे ऐसे थोड़ी होता है, बहुत कुछ देना है तुम्हें, बोलो ना क्या चाहिए। बता के दिया तो क्या, गिफ्ट्स तो सरप्राइज होनी चाहिए। हाँ ये बात तो है। तो लेट्स सी, वो जो वोग में तुम्हें सभ्यसाची की साड़ी पसंद आई थी वो, या फिर चोर बाजार से आवारा का पोस्टर, मतलब ओरिजिनल वाला? नहीं तो और क्या? और तुम? मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास हूं, और कितने पास? इतना पास कि दुनिया के सामने हमें छुपने की जरूरत महसूस ना हो, प्यार करने में गुनाह का एहसास ना हो, चोरों की तरह छुप छुप कर ना मिले चोर बाजार या लंदन में कहीं, अपने शहर में मिले खुलकर शिद्दत से।
होगा, जरूर होगा, बस थोड़ा सा समय दो मुझे और थोड़ा सा भरोसा करो मुझ पर। इतना सुंदर प्यार है हमारा, फिर दुनिया के सामने आते ही इतना गंदा क्यों लगता है? घिन क्यों आ रही है खुद से? Am I the classic other woman? किसी और का घर तोड़कर खुद का घर बनाना चाहती हूँ। आर्या, when you come next time ना, please come from the back door and ping me before you come. But क्यों? चोरों की तरह क्यों? I thought uncle auntie are cool with me coming over. No, they are not the problem. Nikki is the problem. Arya, hello, Mr. Sexy Fingertips. So, you are missing your sister's hair, na? Fondling her hair with your fingertips, huh? Nikki. She reads her messages. She must have snooped. Listen, guys, थोड़ा careful रहना चाहिए. आज messages मैंने पढ़े, कल कोई और पढ़ लेगा. And by the way, मुझे नहीं पता था तुम इतनी sweet sweet messages लिखते हो. जब भी मैं hair oil का ad देखूँगी ना, पक्का मोड़ miss you. Nikki. अरे लिखना पड़ता है यार. Your sister likes all this sweet and gentle stuff. तो जताना पड़ता है. आया, कुछ भी. No, I mean I love doing it too. You know ना how. I think you should join a dance class. बहुत नचाने वाली है लेकिन इनफ है, बहुत हो गया। हेलो आंटी। आर्या, तुम कब आए? जस्ट अभी। तुम लोग कहीं से आ रहे हो या जा रहे हो? मूवी देखने जा रहे हैं। हेयर ऑयल सेशन। मतलब मैं सराह जा रही थी ना हेयर ऑयल सेशन के लिए ना? तो जाओ निकी। सुनो, ऊपर से बाम ले प्लीज, मेरी पीठ बहुत दर्द करे। हाँ? क्या हो रहा है ये? नहीं मैं तो बस इंद्र भैया सुनो। बैठो आर्या। आर्या, लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम और बानी बहुत टाइम से स्टेडी रिलेशनशिप में हो, राइट? यू बैंग ऑन, आई मीन यू राइट। तो मैं सोच रही थी क्यों ना इस बात को आगे बढ़ाया जाए और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। आर्या, यू नो द सोसाइटी राइट? हमारा सर्कल, सी वी आर ओके, बट इस बात को अभी हमें फॉर्मलाइज कर देना चाहिए। तुम दोनों स्टडी रिलेशनशिप में हो और तुम एक साल के लिए अब्रॉड भी जा रहे हो पढ़ाई के लिए। आर्या, I don't want my girl to be in a... Of course, auntie. Actually, Bani and me have discussed regarding this and in fact, we are quite ready to come out and know. That's good. मैं तुम्हारी मॉम से बात कर सकती हूँ, right? Sure. मैं उनसे आज ही बात करता हूँ एंड यू ऑल कैन चैट। ग्रेट। चैट अबाउट व्हाट? हाँ, तुम्हारे और आर्या के एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। पानी, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। नो मॉम, डोंट बी। एंड यू, हाउ डेयर यू टॉक अबाउट थिंग्स विदाउट इवन डिस्कसिंग विद मी? हाँ, सॉरी बेब, वी स्पोक अबाउट दिस। हैंग ऑन वन सेकंड मॉम, इसीलिए आपने बाम लेने के लिए मुझे ऊपर भेजा था ना, ताकि आप आर्या से बात कर सके। हाँ? सामने से बात क्यों नहीं करती है मॉम? आप अपने हर एक रिलेशनशिप में यही तो करती आई है, सामने से कंफ्रंट नहीं करती लेकिन पीठ पीछे बात जरूर करती है। पानी, व्हाट आर यू टॉकिंग? अगर आर्या शादी के लिए तैयार है ना तो वो कर ले, बिकॉज़ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। आई डोंट वांट एंड डोंट नीड इट, यू गेट दैट? आई वांट द वर्ल्ड टू नो दैट आई एम नॉट गेटिंग मैरिड। आई डोंट वांट अ मैन इन माय लाइफ, आई डोंट वांट अ मैन सपोर्ट इन माय लाइफ। पानी, आपकी शादी को देख लो मॉम, मैं आपकी तरह वीक नहीं बनना चाहती। दैट इज चीटिंग ऑन यू, लेकिन आपको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। Dad is having an affair. ये क्या बोल? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? मैं निकी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, it's nothing. ऐसा कुछ नहीं mom. Mom, it's an out and out affair. What are you saying, huh? How can you be such a coward, mom? Excuse me, guys. I think I should leave. Mm-hmm.